आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद का तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। तो यार चैनल बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा नाम वजाहत है। तो यार अगर आप लोगों में से किसी ने ईमेल पर हमें कॉन्टेक्ट करना तो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हमारा बैकअप चैनल भी है, एंटरटेनमेंट चैनल है, उसका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल कमाल की रिएक्शन वीडियोस उस पर आ रही है, उसको लाजमी आप लोग कीजिएगा सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है। आज हम मिलिट्री कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। अच्छा। और वो भी बिल्कुल लेटेस्ट है 2022 का। काफी लोग कह रहे थे कि भाई इस पे आप लोग रिएक्शन है, तो रिएक्शन लेकर आ गए हैं। जल्दी से पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। तो यार वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजम कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कार्ड ऑन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। बांग्लादेश इंडिया 45वें नंबर पे है इस दुनिया के अंदर और इंडिया चौथे नंबर पे। डिफेंस बजट कितना है जी? 4.5 बिलियन। बहुत ज्यादा इंडिया का। ओए ओए। लेकिन फिर भी देखते टिक पाएगा कि नहीं इंडिया के आगे, मतलब 2.75 लाख। हाँ। बहुत ज्यादा। एक्टिव पर्सनल 2 लाख और उसके 14 लाख। बहुत ज्यादा। अबे बांग्लादेश मुकाबला ही नहीं है। और बांग्लादेश के ट्रेन भी नहीं है तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इंडिया के तो। और इतने ट्रेन भी नहीं है जिस तरह होती है ग्लोबल टैंक। अच्छा कम्बैट टैंक के साइज़ है भाई 5.5। आर्मेड वेहिकल 1500। 10,000। किधर मुकाबला है इंडिया कहाँ तो बांग्लादेश कहाँ भाई? एपीसी 380 और 1500 के मुकाबला ही नहीं। बहुत ज्यादा मुकाबला किधर होगा? मुझे हंसी आ रही है बे। आर्मर्ड कार 174,000। सेरा मैं कहता हूँ आर्मर्ड गाड़ियां ही है उधर बांग्लादेश में, इंडिया की घोष है तो वही पूरी रहेगी वहां पे। रॉकेट प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा। चलो देखा जाए बांग्लादेश में रॉकेट प्रोजेक्ट सही है, अच्छे हैं, इतने ठीक है इनके लिए। टोटल एयरक्राफ्ट 215 उधर 2387। बहुत ज्यादा है। फाइटर एयरक्राफ्ट 42 बहुत ज्यादा। वो अभी मेरे ख्याल से कोई पुराने टाइप के होंगे बांग्लादेश के पास। हाँ ना। अटैक हेलीकॉप्टर अरे एयरक्राफ्ट 20 उधर बहुत ज्यादा है। वो भी लेटेस्ट है इनके पास। 59 है उधर ट्रेनर और 4। चलो ट्रेनर का इतना नहीं होता, वो तो चलो ट्रेनिंग के काम आते हैं। अब है इंडिया का 7 है, ये बहुत कमाल है। ये पाकिस्तान के पास भी एक दो है ज्यादा है, सिर्फ 6 है। हाँ ना, इनकी एयरफोर्स ही बांग्लादेश की बड़ी नहीं है तो क्या ये जादू की इतनी जरूरत नहीं है। कोर्ट 14 उनके पास बहुत ज्यादा। टोटल हेलीकॉप्टर 60 अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ 37 ही नहीं। टोटल नेवल एसेट्स 133 मतलब डबल है इंडिया के पास इससे। चंद्रयान 2 ओ चलो 2 तो रखी हुई है 19 इंडिया के पास। सात 25 इंडिया के पास। फाइटर 8-12 फ्रिगेट्स मतलब करीब करीब ही है। सिर्फ 15 डिस्ट्रॉयर्स एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास 2। हाँ पेट्रोल 23 200 कर दो ना। बिल्कुल 200 तकरीबन आप 200 कर दो। न्यूक्लियर वेपन ये तो बोलते नहीं गए
बांग्लादेश के पास किधर से आ गए बे? वो पाकिस्तान में लगा दिए यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही पे ये एटमी जो न्यूक्लियर का नहीं हो यार ये नहीं होंगे बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश के पास किधर से आगे बम सिफर ना बांग्लादेश के पास किधर से आगे लगता गलती से भाई नहीं लगा रही है। और अब बात करते हैं भाई इंडिया की फोर्स की ठीक है। देखो बाबा इंडिया की फोर्स जो है वो काफी ट्रेंड है बिल्कुल और उस मामले में बांग्लादेश की उतनी ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल नहीं ट्रेंड है वजह कोई मुकाबला इनका आपस में बनता भी नहीं भाई नहीं बनता यार मतलब मैं तो बोलता हूँ अगर इंडिया चाहे तो सिर्फ 40,000 भी अपना फौजी बांग्लादेश में उतार देना तब बांग्लादेश एक अगर वॉर की सूरत में वैसे इनकी रिलेशन काफी अच्छे हैं ठीक है। इंडिया ऐसा नहीं करता पर एक वो मुकाबला है ना एक मुकाबला मैं तो कहता हूँ इंडिया के वो जो 72 बंद गाड़ियां 7,500-8,000 वही काफी है वही काफी है। बांग्लादेश गया वही किसी किसी मकाम पे भी इनका आपस में तवाजन नहीं है ना। इंडिया का तवाजन बनता है चाइना के साथ चाइना के साथ बड़े 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 देश के साथ फ्रांस हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया रूस हो गया रूस भी चलो उसके एटमी हथियार ज्यादा है एटीएम ही तो छोड़े और मामला में काफी टक्कर दे सकता है। डिफेंस बजट भी इंडिया का बहुत ज्यादा है इनका 4.5 बिलियन है ना बहुत कम है ना वही ना 10 गुना से भी ज्यादा बनता है यार बहुत ज्यादा बनता है ना बहुत इससे पता चलता है कि इंडिया की ताकत बहुत है बहुत ज्यादा है भाई। एशिया के अंदर इंडिया एक किस्म का किंग है बिल्कुल। नेवी का मुकाबला देखिए नेवी में भी मैं कहता हूँ इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत रहेगा। उस दिन तो मैं आया था उधर याद है 1971 में सब बांग्लादेश जो प्रोटेक्ट किया ये बात हकीकत है लेकिन ये है कि वही मैं बात करूँ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही काफी तो सारे अमेरिकन भी आ गए थे फिर देखा था कि सारा रशिया भी इधर आ गया थे सारे ऐसे दुम भगा के भागे के नजर ही वही ना लेकिन ये है कि भाई काफी अच्छे रिलेशंस हैं इनके आपस में लेकिन ये कंपैरिजन था हमें भी पता लगा कि भाई हाँ ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश इतनी अपनी वफाज पे इतना खर्चा नहीं कर सकता वो अभी तरक्की कर रहा है ना जितना उसका बजट है उसके मुताबिक रखता है वो ठीक ही। हाँ वो अगर उसकी कंट्री के लिहाज से देखा जाए ना बाबा वो ठीक है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। हाँ ये भी है मतलब कि तरह के आर्मी शार्मी में तो नहीं है नहीं है लेकिन ये है कि तरक्की में अब आगे बहुत यार चुका है। पाकिस्तान तो इंडिया का मुकाबला होता है ना उधर पाकिस्तान अगर 50 जहाज इंडिया खरीदता है तो पाकिस्तान 10 खरीद लेता है चल 10-20 खरीद लेता है उधर मिसाइल फायर करते हैं तो ये भी बना के फायर कर देते हैं ये इनका आपस में मुकाबला होता है इंडिया का मुकाबला नहीं होता नहीं ये बात ये बात चलो एक तवाजन था बताने के लिए कि अपनी अपनी फौज के इस मकाम पे खड़ी एग्जैक्टली। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं अपना अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा तो बाय।